friends welcome to my channel i'm arpita karva and in this video i'm going to talk about a super efficient revision timetable that will help you uh, remember everything on the day of UGC net exam surprising right but i'm telling you that the timetable that i'm going to share is so scientific that you cannot forget any information on the day of the exam now coming on to the point that why am i making, uh, making this video right now यू जी सी नेत एग्जाम इज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम रिसीविंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम स्टूडेंट से ही दैट मैम एक ऐसी रिविजन टेक्निक शेयर करिए जिससे हमारा पूरी मेहनत सफल हो जाए हमने अभी तक जो मेहनत करी है वो हम लास्ट एक महीने में इस तरीके से रिवाइज कर पाएँ कि हमें एग्जाम के दिन सब कुछ याद हो हमने इतना कुछ पढ़ा है बट आज जब हम अपने आप से वही क्वेश्चन पूछते हैं उन टॉपिक्स में से तो हम देखते हैं हम आधी चीज़ें भूल चुके हैं डे ऑफ द एग्जाम सो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ जिसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी आपके ट्रेडिशनल टाइम टेबल के बारे में और वो क्यों फॉलो करने लायक नहीं है वो क्यों इतना एफिशियंट नहीं है क्यों मोस्टली लोग ट्रेडिशनल टाइम टेबल फॉलो करते हुए बीच में ही अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाते हैं और फिर हम बात करेंगे एक नए साइंटिफिक टाइम टेबल की जिसको यूज करके आप सब चीजें बहुत ही अच्छे से याद कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सो so, जो ट्रेडिशनल टाइम टेबल होता है उसमें जनरली दो कॉलम्स होते हैं डेट एंड टॉपिक्स फॉर एग्जाम्पल आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में टू हंड्रेड टॉपिक्स हैं आपने फर्स्ट डे लिखा कि आपको टॉपिक वन टू थ्री कवर करना है नेक्स्ट डे आपको टॉपिक फोर फाइव सिक्स कवर करना है नेक्स्ट डे आपको टॉपिक सेवन एट कवर करना है बिकॉज टॉपिक एट काफी बड़ा है एंड नेक्स्ट डे आपको टॉपिक नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व कवर करना है एंड सो ऑन सो फोर्थ आप फर्स्ट डे रिविजन करने बैठे और आपने देखा कि आपको तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है टॉपिक वन को ही कवर करने में आप उस दिन सिर्फ टॉपिक वन कवर कर पाए सो नेक्स्ट डे आप जब बैठेंगे तो आपको टॉपिक फोर फाइव सिक्स के साथ साथ टॉपिक टू थ्री भी कवर करना है आपका वर्कलोड इतना बढ़ गया कि उस दिन आप सिर्फ दो टॉपिक कर पाए नाउ नेक्स्ट डे आपको टॉपिक सेवन एट के साथ फोर फाइव सिक्स भी कवर करना है एंड इस तरीके से क्यूमुलेट होता होता फिफ्थ या सिक्स डे तक आपका रिविजन के दिन में इतने टॉपिक्स आ गए कि आपका मन ही नहीं किया कि आप पढ़ने भी बैठे बिकॉज दैट गोल सीम्ड इम्पॉसिबल टू कंप्लीट सो so, इस वजह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप रिविजन करना ही छोड़ देते हैं या आप इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आप एग्जाम देने की स्थिति में नहीं है एंड यू ट्राई टू गिव योर सेल्फ रीजन सो दैट यू कैन सिट इन द नेक्स्ट एग्जाम एंड नॉट इन दिस वन इस टाइम टेबल की सबसे बड़ी दिक्कत है दैट इट कंसिडर्स लर्निंग एज द फंक्शन ऑफ टाइम कि आपको कोई भी चीज को लर्न करना है तो आप इस टाइम फ्रेम में कर लेंगे प्रॉब्लम यह होती है कि कई बार आप उस पीरियड में उस टॉपिक को लर्न नहीं कर पाते क्योंकि वो टॉपिक बड़ा है या आपको लर्न करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है या आपको रिवाइज करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसीलिए आप उस दिन वो सारे टॉपिक्स नहीं कवर कर पाते जो आपने उस दिन असाइन करें जिस वजह से आपके आगे प्रेशर बिल्ड होता जाता है डे वन के टॉपिक्स डे टू पे शिफ्ट होते हैं डे टू के डे थ्री पे डे थ्री के डे फोर पे एंड सो ऑन सो फोर्थ सो so, आप देख पाएंगे इसी वजह से बचपन में जब भी हमने ऐसे टाइम टेबल्स बनाए हैं हमेशा चौथे पांचवें दिन तक वो टाइम टेबल हमें डस्टबिन में ही दिखा है क्यों क्योंकि वो फॉलो करने लायक ही नहीं रह जाता ये तो इस तरह की बात हुई कि आज अगर आपने सोचा है कि आप एक एप्पल खाएंगे और चार दिन बाद आप देखते हैं कि आपके सामने सात एप्पल रखे गए हैं तो जहां आपकी एपेटाइट सिर्फ एक एप्पल खाने की है क्या आप वो सात एप्पल कंप्लीट कर पाएंगे कभी नहीं राइट उ दिस रिविजन टाइम टेबल फेल्स एवरी टाइम अब हम बात करते हैं हमारे नए साइंटिफिक टाइम टेबल की नाउ इस टाइम टेबल में होंगे मल्टीपल कॉलम इसमें सबसे पहला कॉलम होगा टॉपिक का सो so आपके जितने भी टॉपिक आप उसे एक एक करके एक के बाद एक लिखेंगे टॉपिक वन टू थ्री फोर सो ऑन सो फोर्थ उसके बाद में आपका फर्स्ट कॉलम होगा विच वुड बी ऑफ रिविजन नंबर वन उसकी हेडिंग होगी रिविजन वन नेक्स्ट कॉलम की रिविजन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन अब आपके ऊपर इस टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किस दिन क्या टॉपिक रिवाइज करना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल आज मेरा मन यूरोपियन लिटरेचर रिवाइज करने का नहीं है अगर आप अपने ट्रेडिशनल टाइम टेबल के हिसाब से चले तो आपके ट्रेडिशनल टाइम टेबल में जिस दिन जो टॉपिक लिखा है आपका मन हो या ना हो आपको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा अनलाइक द न्यू टाइम टेबल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इसमें आपके पूरा सिलेबस आपके सामने है आपको जो टॉपिक पढ़ने की इच्छा है आप उस टॉपिक को रिविजन कर सकते हैं उस दिन फॉर एक्जाम्पल आपने सोचा आज मैं टॉपिक नंबर ट्वेंटी फोर का रिविजन करूंगा आपने वो रिवाइज किया आपने फर्स्ट कॉलम रिविजन वन के सामने टॉपिक ट्वेंटी फोर के सामने आज की डेट डाल दी फिर आपका मन किया कि टॉपिक ट्वेंटी फोर तो रिवाइज हो गया आज मैं टॉपिक सेवन भी रिवाइज करता हूँ यू मूव टू टॉपिक सेवन आपने रिवाइज किया एंड आपने टॉपिक सेवन के सामने आज की डेट डाल दी और इस तरीके से आप रिविजन करते गए इसके मल्टीपल हैं नंबर वन आपके फर्स्ट टाइम टेबल के अंदर जो आपका ट्रेडिशनल है मुझे और इस चक्कर में आप, में आप गलतियां करते हैं क्योंकि एमसीक्यू में चारों ऑप्शन इतने क्लोजली रिलेटेड है कि अगर आप श्योर नहीं है आपने हर चीज को डेप्थ नहीं पढ़ा तो आप कभी भी एमसीक्यू के एग्जाम में फुल मार्क्स नहीं ला पाएंगे अनलाइक न्यू टाइम टेबल जिसके अंदर आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट से हर चीज को इनडेप्थ पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को अपने टाइम में बांधा नहीं आपको अगर किसी टॉपिक में दो घंटा लग रहा है तो आप दो घंटा दे रहे हैं किसी में आपको एक घंटा लग रहा है तो आप एक घंटा दे रहे हैं सेकेंड बेनिफिट इस टाइम टेबल का क्या है सेकेंड बेनिफिट इस टाइम टेबल का है कि यह आपके मूड के साथ काम करता है देखिए एग्जाम टाइम में ऑलरेडी स्ट्रेस होता है आपको पढ़ना पड़ रहा है जो एक ऐसा चीज़ है जो आपको जनरली पसंद नहीं है आपको टीवी देखना पसंद है आपको फ्रेंड्स के साथ बातें करना पसंद है पढ़ाई ऑलरेडी हमें पसंद नहीं है उसमें भी हमें अगर वो पढ़ना पड़े जो हमारा मन नहीं है तो हम और ज़्यादा उस चीज़ से कतराते हैं उस चीज़ को अवॉइड करते हैं ये वाले टाइम टेबल में आपके सामने सारे टॉपिक्स हैं आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि आज आपका सबसे ज्यादा क्या टॉपिक पढ़ने का मन है क्या टॉपिक रिवाइज करने का मन है और आप वो टॉपिक्स चूज कर सकते हैं सो so, आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट और ज्यादा डेवलप होता है एक और बेनिफिट है इसका वो है स्पेस्ड रेपिटेशन का आपने सुना होगा फुगेटिंग कर्व के बारे में मैं अपने काफी सारे वीडियोज में बात करती हूँ फुगेटिंग कर्व कहता है कि अगर आपने कोई चीज़ आज पढ़ी है तो 24 फोर आवर्स में अगर आपने उससे रिवाइज नहीं किया तो आप 50 परसेंट डेटा भूल जाते हैं अगर आपने एक हफ्ते में रिवाइज नहीं किया तो आप 70 परसेंट डेटा भूल जाते हैं और अगर आपने एक महीने में रिवाइज नहीं किया तो आप हंड्रेड डेटा भूल जाते हैं सो so, इस फुगेटिंग कर्व को तोड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर स्पेस थोड़े थोड़े समय में आप रिविजन्स करें So, अगर आपने देखा इस टाइम टेबल को इसमें मैंने मल्टीपल कॉलम्स दिए आपको so, आप तो आप फटाफट से रिविजन टू कर सकते हैं अगर आपने आज ही कोई किया है, तो कल आपको उसका वन उसे रिवाइज करने में तो कल आपने उसे वापस रिवाइज किया और आपने रिविजन टू के कॉलम में कल की डेट डाल दी इस तरीके से आप धीरे धीरे जब एग्जाम आएगा तो आप देखेंगे कि सारे टॉपिक्स को आपने मल्टीपल बार रिवाइज कर दिया है और जब आप उस शीट को देखेंगे तो आपको इतना फुलफिलिंग फील होगा आपको लगेगा ओ माई गॉड ये टॉपिक मैंने सात बार रिवाइज किया है दैट मीन्स इस टॉपिक को मैं आराम से इसके सारे क्वेश्चंस को मैं टैकल कर सकता हूँ और इसी तरह ये टाइम टेबल हेल्प करता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी सो आई होप आज से ही आप अपने ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के यूज करेंगे द न्यू एंड रिफाइंड अप्रोच इस टाइम टेबल की एक सैम्पल कॉपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे एंड माय टीम इज गोइंग टू शेयर विथ यू अ वर्ड फाइल जिसे यूज करके आप आज से ही अपना नया टाइम टेबल के साथ अपनी नई लर्निंग जर्नी नई रिविजन जर्नी चालू कर सकते हैं सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू टेक योर लीव आई एल मीट यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल द टाइम आई मीट नेक्स्ट हैप्पी लर्निंग कीप लविंग लिटरेचर एंड स्टे यू टू अर्पता करवा डॉट कॉम